नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जादू टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके घुटनों में जो ग्रीस है वो अपने आप बनने लग जाएगा। और क्योंकि ठंड बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों में घुटने की समस्या आ रही है, और कुछ तो इतने मजबूर हैं कि उनको एक कदम चलने में भी दिक्कत आ रही है। कारण जब वो चेक करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है। तो आइए जानते हैं हम उस घुटने की ग्रीस को कैसे फिर से बहाल कर सकते हैं। कुछ जादुई एक्सरसाइज जो न्यूरोथेरेपी की एडवांस टेक्निक है उसको यूज करके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लेटेंगे और ऐसे करके लेट जाएंगे नीचे, और कोई पैर हो जिस पैर में तकलीफ ज्यादा हो, वैसे दोनों पैरों को करना है लेकिन फिर भी जिस पैर में तकलीफ ज्यादा हो उसको हम पहले करेंगे। मान लीजिए इस पैर में हमें ज़्यादा तकलीफ है, तो पहली एक्सरसाइज ऐसे पकड़ लेना है, लॉक कर लेना हाथों को और इसको ऊपर की तरफ ले जाना है पैर को खींच के, और जब नीचे आए तो पैर को इस तरीके से मोड़ लेना है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर जाएगा तो सीधे हो जाएगा, नीचे आएगा तो ऐसे कोना मतलब तीखा टाइप से बना लेंगे इसको, लेकिन पंजा ऊपर की तरफ ही रहे हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे हमें 10 से 20 बार करना है। दूसरी जो एक्सरसाइज है इसी में, मान लेते हैं हमारा यही पैर है, हमने ये पैर को ऐसे तो कर ही रखा है और इसमें हमने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करके, अपनी तरफ पुश करके इस पैर को थोड़ा नीचे की तरफ चिपकाना है, यानी कि नीचे की दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है। 10 से 20 बार इसे भी करेंगे। फिर हम इसके लिए अगली जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हम ऐसे पैरों में बड़ा बड़ा गोला बनाएंगे, बड़ा बड़ा गोला बनाएंगे, बड़ा बड़ा गोला बनाएंगे। ये एक पैर में नहीं करना, दोनों पैरों में करना है। मैं एक पैर का दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे हमने बड़ा बड़ा गोला करना है। तीसरी एक्सरसाइज हो गई हमारी, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये हमें करना है। चौथी हमारी एक्सरसाइज हो जाएंगी उल्टा होने के बाद में, तो इस तरीके से हम उल्टा हो जाएंगे और पैर को इस तरीके से पीछे की तरफ पुश करेंगे, पुश करेंगे छोड़ेंगे, पुश करेंगे छोड़ेंगे, पुश करेंगे छोड़ेंगे, कम से कम 15 से 20 बार ये भी हमने करना है। चौथी एक्सरसाइज हमारी ये है। पांचवी एक्सरसाइज जो हमारी आएगी, इस तरीके से हमें बैठना है और इसके नीचे कुछ पिलो लगा लेंगे या कुशन लगा लेंगे जो थोड़ा सा हार्ड हो, हल्का सा हार्ड हो, और प्रेशर इस तरीके से देंगे, ठीक है। पांचवी एक्सरसाइज हमारी ही है, इस तरीके से हमने पुश करना है। छठी जो हमारी एक्सरसाइज आएगी, ऐसे पैरों को पूरा मोड़ना है और झटके से पीछे खींचना है, बाहर फेंकना है, खींचना है झटके से बाहर, 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 झटके से बाहर, खींचना है झटके से बाहर। 15 से 20 बार इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। ये हमारी छठी हो गई। सातवीं हम एक्सरसाइज इस तरीके से करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमने पहले क्लॉकवाइज किया है पैरों को, फिर हमने एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारी इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आएगी हमें पैरों को इस तरीके से मोड़ करके मूवमेंट देनी है। ऐसे ही दूसरे पैर में भी करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी एक्सरसाइजें लेट के ही करनी है। अगर आप खड़े होकर ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने तो पूरे खराब होने तय हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज लेट के करेंगे तो ये न्यूरोथेरेपी का बहुत ही एडवांस वर्जन है जिसके द्वारा घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं ग्रीस भाषा, मोटी भाषा में हम बोल देते हैं कि ग्रीस कम हो गया है
उस ग्रीस को बनाने के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो ये एक्सरसाइज है, जिसके द्वारा आप कुछ महीनों के लगातार प्रयास के बाद दिन में 5 से 6 बार अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और 5 से 6 महीने लगातार करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके पैरों में वो जो प्रॉब्लम थी ग्रीस वाली वो लगभग लगभग खत्म हो गई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने स्किप किया है, आपके काम की जानकारी फिर निकल चुकी है, यानी कि आप पूरे लॉस में जा रहे हैं, अपने जो भी सगे संबंधी जिनको ये दिक्कतें हैं उनको आप लॉस में डाल रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो जिनको पसंद आएगी वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अधिकतम लोगों तक पहुँचाए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए। और जो न्यू थेरेपी से संबंधित और भी कई एडवांस टेक्निक हैं जिनके द्वारा हम खुद को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो ये टेक्निक है ये सिर्फ साइनोवियल फ्लूइड यानी कि ग्रीस बढ़ाने के लिए टेक्निक है। इसको आप घर में यूज करें, अपनों को बताएं, अपने संबंधियों को बताएं और स्वास्थ्य लाभ पाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।